पाकिस्तान भर में बारिशों के हालिया सिलसिले ने तबाही की नई तारीख रकम कर दी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी जद में आकर बहुत से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और बेशतर अफराद अपनी जानें भी खो बैठे हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 1300 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और 1 लाख से ज़ायद अफराद अब तक बेघर हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में सिंध और बलूचिस्तान सर फहरिस्त हैं। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के 23 अजला को सैलाब ज़दा करार दिया गया है। दरियाए सिंध में गुद्दू और शक्कर बैराज पर दरमियाने लेवल का सैलाब है। इसकी वजह से बहुत से देहात ज़ेरे आब है और शदीद जानी और माली नुकसान से दो चार हैं। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो जगह जगह सड़कें, इमारतें, पुल वगैरह तबाह हो चुके हैं और लोगों का मुल्क के दूसरे इलाकों से राबता मुनक़ता हो चुका है। बलूचिस्तान के 10 अजला को सैलाब ज़दा करार दिया गया है। दरियाए सवाद, दरियाए पंचकोड़ा और दरियाए काबुल में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है, जिसकी वजह से चारसद्दा, नौशहरा जैसे नशीबे इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसके अलावा पंजाब के कई अजला भी सैलाब के नज़र हो चुके हैं। सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत से कौमी इदारे जैसा कि नेशनल डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, पाक फ़ौज और तमाम सूबाई मशीनरी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत से मुल्की और गैर मुल्की फलाही तंजीमें और इनफरादी सतह पर आम शहरी भी लोगों के इमदाद के लिए कोशा है। ये इदारे न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है बल्कि ये सैलाब ज़दगान के लिए खुराक, टेंटों, कपड़ों और ज़रूरत की दूसरी अशिया की फरहमी कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में ये हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमती इदारों के साथ सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन करें और इसके अलावा वो मुख्तलिफ फलाही इदारों के ज़रिए अपने इस्तेआत के मुताबिक सैलाब से मुतासर अफराद के लिए खाने पीने और ज़रूरती अशिया की फराहमी मुमकिन बनाए। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ऐसे गैर मामूली कुदरती आफात माहौलियाती तब्दीली और कुदरती तवाज़ुन में बिगाड़ की वजह से पैदा होते हैं। माहौलियाती आलूदगी और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से पैदा होने वाली ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने का सबब बनती है। इसकी वजह से मुख्तलिफ नहरों और दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ती है। जंगलात की कटाई से बढ़ती हुई लैंडस्लाइडिंग और दरियाओं और नहरों के किनारों आबादियों की तामीर ने पानी के बहाव में रुकावट पैदा कर दी है। इन कुदरती आफात के नुकसान से बचने के लिए हमें कौमी सतह पर एक लाहे अमल बनाने की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में बरवक्त हिफाजती इकदामात मुमकिन बनाए जाए और लोगों को इसके शदीद नुकसान से बचाया जा सके।